Hello everyone, my name is Sapan Parikh and I am a chartered accountant and cost accountant. We have been teaching commerce students right from first year junior college till CA since last 18 years and we have taught more than 5000 students. हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो भी बोर्ड पेपर्स हैं यूनिवर्सिटी के पेपर्स वो सारे पेपर्स के हम सॉल्यूशंस बनाएंगे ताकि बच्चों को वो वीडियोस देख के पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे प्रेजेंट करना है कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह वो जान सकें तो वो सीरीज़ में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं और काफ़ी सारे बच्चे लोग वो वीडियोस देख भी रहे हैं एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट कमेंट्स भी कर रहे हैं वो रिगार्डिंग उनको और डिमांड है कि सर ये ईयर के बनाओ ये ईयर के बनाओ तो विद इन दैट हमने ये वीडियो बनाया है आज का ये जो वीडियो है वो SYBAF के लिए है कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो है और ये नवंबर 2017 का बोर्ड पेपर है ठीक है तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो से कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा पेपर जो है वो कैसे अटेम्प्ट करने का वो समझ में आ जाएगा बच्चों काफ़ी टाइम पे जो यूनिवर्सिटी पेपर्स होते हैं वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं एज़ पर स्ट्रक्चर इज कंसर्न ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है तो आप अगर ये वीडियो एंड तक देखेंगे एकदम ध्यान से देखेंगे तो आई एम श्योर आप कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में ये वीडियो देख के ही एटलीस्ट आप 70 के ऊपर आप स्कोर कर सकते हैं ठीक है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एंड तक पूरा वीडियो देखना आप और ये चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना हम रेगुलरली कॉमर्स के रिलेटेड SYBAF के रिलेटेड FYBMS BAF सब के रिलेटेड हम लोग वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं रेगुलरली मिनिमम एक वीडियो डेली आता है हमारा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस करना नहीं भूलना so that you get the notification well in advance okay so here we go start with the solution of second year BAF to main aapki screen se hat jata hu baad mein end mein milenge let us do full screen okay to ye hamara pehla objective question hai प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस ये ट्रू है जॉइंट प्रोडक्ट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस ये भी ट्रू स्टेटमेंट है रिटेंशन मनी इज इक्वल टू पेमेंट रिसीव्ड माइनस वर्क सर्टिफाइड ये फॉल्स है बच्चों उल्टा राइट है वर्क सर्टिफाइड माइनस पेमेंट रिसीव्ड इज कॉल्ड रिटेंशन मनी ओवरहेड इंक्लूड ओनली फिक्स्ड कॉस्ट ये फॉल्स है ओवरहेड में वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है जनरली फिक्स्ड होता है पर हमेशा के लिए ऐसा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है तो ओवरहेड इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट ये ओनली फिक्स्ड कॉस्ट ये ओनली वर्ड एक्चुअली गलत है सेल प्राइस ऑफ अ मटेरियल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो इसमें कॉस्ट प्राइस आना चाहिए बच्चों तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंशियल इनकम ये भी गलत है क्योंकि डिविडेंड हमने पे किया है तो ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है इन कॉस्ट शीट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी फॉल्स है इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड किया जाता है गुडविल इज रिटर्न ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ अपीयर्स ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स ये फॉल्स है इट अपीयर्स ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स नीड फॉर रिकंसिलिएशन अराइजेज इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट्स ये स्टेटमेंट ट्रू है ये आप एक्चुअली SYBAF में नहीं है ये TYBAF में है फिर भी रिकंसिलिएशन चैप्टर है हमें इसीलिए उससे रिलेटेड है कि अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम हो जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटीग्रेट किया है वहां पे रिकंसिलिएशन का ज़रूरत नहीं होता है बट अगर नॉन इंटीग्रेटेड है जिसका मतलब कि हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम है एक है फाइनेंशियल अकाउंट्स और एक है कॉस्ट अकाउंट्स तो दोनों का प्रॉफिट अलग अलग आएगा और इसीलिए देयर विल बी अ नीड टू रिकंसाइल बोथ The cost of units of abnormal gain is debited to process account. ये true statement है Match the column मैंने यहाँ पे दे दिया है नीचे तो आप देख लीजिएगा अगर कहीं पे कुछ doubt है तो आप बेझिझक comment section में डालिएगा and I will be happy to solve your doubt. Okay? तो यहाँ पे match the column मैं discuss नहीं कर रहा हूँ नीचे हमने answer के तौर पे दे दिया है आइए चलते हैं first question पे Given below इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर थोड़े से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं फॉर द ईयर 31 मार्च 2015 तो ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर ट्रेडिंग एंड पीएनएल दिया है
मटेरियल कंज्यूम्ड है, वेजेस है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, सेलिंग है और नेट प्रॉफिट है और सेल्स दिया है। इंफॉर्मेशन रिवील्ड विथ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। फैक्ट्री ओवरहेड है फिक्स्ड और वेरिएबल, ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है फिक्स्ड एंड वेरिएबल। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकनसाइल प्रॉफिट एज पर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो बच्चों वैसे क्वेश्चन में कॉस्ट शीट पूछा नहीं है, पर मैंने कॉस्ट शीट पहले बनाया है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकाला है और उसके बाद हमने उसको रिकनसाइल किया है। ओके तो आइए पहले कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल है 3 लाख रुपया, तो डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है 3 लाख रुपया। डायरेक्ट वेजेस दिया गया है 2 लाख रुपया। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमें प्राइम कॉस्ट मिलता है विच इज 5 लाख रुपीज। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे कॉस्टिंग का फैक्ट्री ओवरहेड्स लेना है जो कि फिक्स्ड है 60 और वेरिएबल है 75, सो टोटल 1,35,000। प्राइम कॉस्ट में ये ऐड कर देंगे तो उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं या वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। फिर ऑफिस एंड एडमिन दिया गया है 50, वो ऐड कर देंगे तो 685। S&D में फिक्स्ड और वेरिएबल अलग दिया है, दोनों का टोटल है 90 to 500, वो ऐड कर दिया तो 7,77,500। सेल्स का फिगर जो फाइनेंशियल में है वही फिगर लेना है तो ये हो गया 7,50,000। तो ये जो आपका 27,500 है वो बैलेंसिंग फिगर है बच्चों। अब हमारा टोटल कॉस्ट है 7,77,500, वेयर एज हमारा सेल्स है 7,50,000। मतलब एज पर कॉस्ट शीट, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग हमें लॉस हो रहा है 27,500 रुपये का, वेयर एज एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमें क्वेश्चन में दिया है वहाँ पे प्रॉफिट है 10,000 रुपये का। अब बच्चों इसको कैसे समझते हैं रिकनसाइल करने का, मेरा तरीका कुछ अलग ही है, एकदम यूनिक तरीका है, आई होप आपको समझ में आएगा। मैं ट्राई करता हूँ वीडियो लेक्चर में आपको शो करने की। तो लेट मी फर्स्ट कैच होल्ड ऑफ अ मार्कर। यस सो अभी मैं आपके पास आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एक पे मैंने इधर लिखा है सी, ठीक है, सी फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकेंड पे एफ, एफ फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी आपको थोड़ा सा हंसी आएगा विथ द हैंड मूवमेंट दैट आई एम गोइंग टू डू, है ना, पर कॉस्ट और फाइनेंस है। ओके अभी आपको क्या देखना है, पहले तो हैंड मूवमेंट कैसे करना है। अगर एक्सपेंस है तो हाथ आपके नीचे जाने चाहिए क्योंकि एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होता है, और अगर इनकम है तो आपके हाथ ऊपर जाने चाहिए। ओके तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अभी एक एक चीज पकड़ते हैं। पहले आप फाइनेंशियल अकाउंट को पकड़िए, उधर चेक करो रॉ मटेरियल कितना है, कितना है वहां पे 3 लाख है और कॉस्ट शीट में भी 3 लाख है, तो दोनों में सेम है तो रिकंसिलिएशन में वो नहीं आएगा। फिर वेजेस दोनों में 2 लाख है, वो भी रिकंसिलिएशन में नहीं आएगा। फिर आप थर्ड पॉइंट लीजिए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस बच्चों एफ ए में कितना है, एफ ए में फैक्ट्री एक्सपेंस है 1,20,000, वेर एज कॉस्टिंग में कितना है 1,35,000। तो ये एफ ए है और ये सी ए है, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये हाथ दोनों यहाँ पे है, एफ ए का हाथ मेरा, फाइनेंशियल का हाथ मेरा कम हुआ 1,20,000 और कॉस्टिंग का हाथ मेरा कम हुआ 1,35,000। आपने देखा हैंड मूवमेंट, ये ज़्यादा नीचे गया है, ये कम नीचे गया है। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15,000 का है। ओके अच्छा अभी इसके पहले एक और बात बता दूं आपको बिफोर आई गो हेड। यहाँ पे हमने रिकनसाइल करने के लिए स्टार्ट कहाँ से किया है, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कैसे स्टार्ट करें, हमारे पास दोनों प्रॉफिट है, फाइनेंस का भी प्रॉफिट है और कॉस्ट का भी प्रॉफिट है, तो हम चाहें वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एफ ए से स्टार्ट किया है, क्या ऐसा कंपलसरी है, कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी। पर अगर आप सी ए से स्टार्ट करते हो तो आपका जो ये जो मेरा जो लेस में आ रहा है वो आपका ऐड में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एफ ए से स्टार्ट किया है और प्रॉफिट एज पर एफ ए कितना है 10,000। तो अभी वापस आते हैं हमारी हैंड मूवमेंट पे। तो 1,20,000 ये काम हुआ था, ये क्या है एफ ए है, ये 1,20 से काम हुआ था और ये काम हुआ था 1,35,000 से। अब हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं रिकनसाइल करने का, एफ ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एफ ए को सी ए के पास अगर जाना है तो कम करना पड़ेगा, है ना, कितना कम करना पड़ेगा, 15,000 रुपया कम करना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस है 15,000 का वो हम कहां पे लिखेंगे, लेस में लिखेंगे। तो इधर लिखा हमने लेस फैक्ट्री ओवरहेड
ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखने का क्या सर, समझ में तो आ गया 15,000, तो ज्यादा टेंशन मत लो। क्या लिखने का, ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ इतना लिखो कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा है। ये ओवर रिकवर्ड जो है ना टेक्निकल वर्ड है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये ओवर या अंडर कभी भी हम लिखेंगे तो उसको हम कॉस्टिंग को ध्यान में रख के लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर मेरी उम्र 40 साल है और मेरे पिताजी की उम्र 60 साल है, तो मैं हमेशा, अगर मैं FA हूँ और पिताजी CA हैं, तो मैं हमेशा पिताजी को देख के बोलूंगा कि पिताजी की उम्र मेरी उम्र से ज्यादा है। ठीक है, मतलब डैड्स एज इज मोर देन माई एज। तो हमेशा कंपैरिजन कॉस्टिंग के एंगल से होगा। पिताजी ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि बेटे की एज कम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ओवर या अंडर हम जब भी लिखेंगे वो कॉस्टिंग के रेफरेंस से होगा। आई होप ये क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो टेंशन मत लेना, आप कुछ भी लिखो, लिखना लेस में है, इतना याद रखना है बस। क्या लिखोगे, ज्यादा टेंशन नहीं है उस बात का। तो 15,000 हमने लिख दिया। अब हम FA में जाते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। FA में ऑफिस एंड एडमिन कितना है, 50,000 है, और CA में कितना है, 40,000। तो वापस वही लॉजिक, ये FA है, ये CA है, तो FA हमने 50,000 से कम किया। आई एम सॉरी, FA 40,000 है, तो FA 40,000 से कम किया और CA 50,000 से कम किया, है ना। तो अभी इधर से इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, और कितना लेस करना पड़ेगा, 10,000 लेस करना पड़ेगा। तो हमने रिकन्सिलिएशन में इधर 10,000 लेस किया और 10,000 के यहाँ पे लिखा। सिमिलर एक्सप्लेनेशन होगा ऑफिस ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। तीसरा एंड फाइनल है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन FA में 80,000 है, 80,000, वेर एज यहाँ पे 92,500 है। आप एक चीज और नोट करिएगा, हम टोटालिटी में देख रहे हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल अलग नहीं देख रहे हैं। टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 92,500। तो FA CA FA में कितना कम हुआ, 80, CA में 92,500। तो इधर से इधर अगर जाना है तो 12,500 हम कम करेंगे, 12,500 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दिया। इसका जो टोटल अमाउंट है वो 37,500 बाहर लिख दिया। अब ये 10,000 माइनस 37,500 किया तो ये नेगेटिव फिगर आ गया। तो ये हमारा हो गया नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। दिस इज व्हाट वी वर गेटिंग हियर, यहाँ पे 27,500। तो ये हमारा टैली हो गया और पूरा 15 का 15 मार्क मिलेगा बच्चों, एक मार्क भी आपका कट नहीं हो सकता है, पूरा राइट है। ओके, चलिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन पूरा का पूरा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। अगर इनकेस रिकन्सिलिएशन आपने ऑप्शन में छोड़ा है तो आप ये सम भी कर सकते हैं, और ये सम भी काफी सिंपल सम है, वैसे कोई मुश्किल नहीं है। तो बाहुबली, क्या नाम है, बाहुबली लिमिटेड स्टार्टेड फैक्ट्री ऑन 1 अप्रैल 2016 और फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड। ये गलत है, 31 मार्च होना चाहिए यहाँ पे। ओके, 31 मार्च। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 40,000 यूनिट्स एट 7, डायरेक्ट वेजेस स्किल्ड वर्कर 9 पर यूनिट बोला है, मतलब वही 40,000 × 9, अनस्किल्ड 6 रुपया, डायरेक्ट एक्सपेंस 3 रुपया। वर्क्स ओवरहेड बोला है 8 पर मशीन आवर वर्क्ड। ठीक है, मैं वापस से आपके यहां से विदा लेता हूं, फुल स्क्रीन कर देता हूं। 8 रुपीज पर मशीन आवर वर्क, 25,000। तो 25,000 × 8 करेंगे तो हमें वर्क्स ओवरहेड मिल सकता है। ऑफिस ओवरहेड 4 लाख, सेल कमीशन 4 पर यूनिट, सोल्ड सोल्ड सोल्ड, ये वापस आऊंगा, ये क्यों ऐसे 3 बार रिपीट किया। यूनिट्स प्रोड्यूस 40,000 और यूनिट सोल्ड 36,000। बच्चों ये हिडन एडजस्टमेंट है, मैंने इस साल में प्रोड्यूस किया 40,000 यूनिट और मैंने सेल किया 36,000 यूनिट, तो 4,000 यूनिट कहाँ चले गए, उड़ गए ना, 4,000 यूनिट मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में है। तो ये कॉस्ट शीट बनाते वक्त ध्यान देना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन, और जितने यूनिट्स बेचे हैं उसको 50 रुपये में बेचे हैं। तो वो 3 बार जो एको साउंड आया था वो भी अभी समझा देता हूँ। सेल्स कमीशन 4 पर यूनिट सोल्ड बोला है तो वो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 36,000 यूनिट बेचे हैं बच्चों, 40,000 तो बनाए थे, तो ये जो भी मटेरियल का वेजेस का वगैरह खर्चा है वो 40,000 यूनिट के लिए होगा।
बट अगर मैंने 36,000 बेचे हैं, जो मेरा एक सेल्समैन है जिसको मैं एक यूनिट बेचने पे 4 रुपया देता हूँ, तो उसने कितना बेचा ये साल में? 36,000 बेचा है, तो उसको कमीशन 36,000 × 4 मिलेगा। जितना बनाया है उससे क्या लेना देना, सब बेचा तो है नहीं उसने, तो ये मिस्टेक नहीं करना आप लोग, ठीक है? चलिए आइए फॉर्मेट देखते हैं। तो कंपनी का नाम लिखेंगे, बाहुबली लिमिटेड। कॉस्ट शीट कौन से साल का है? इधर इंफॉर्मेशन लिख दिया हमने, यूनिट्स प्रोड्यूस 40,000, यूनिट सोल्ड 36,000। एक कॉलम होगा रुपीस का, दूसरा कॉलम होगा कॉस्ट पर यूनिट का। ये जो कॉलम है ये यहां से लेके यहां तक हम डिवाइड करने वाले हैं प्रोडक्शन से, ठीक है, प्रोडक्शन से। और ये यहां से लेके यहां तक, इनफैक्ट इधर से, इनफैक्ट इसको, हाँ यहां से लेके यहां तक ये डिवाइड होने वाला है यूनिट्स सोल्ड से और ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, ठीक है? मतलब ये डिवाइड होने वाला है 40,000 से और ये डिवाइड होने वाला है 36,000 से। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल दिया है क्वेश्चन में 40,000 × 7, तो ये आ गया 2,80,000। स्किल्ड दिया है 9 पर यूनिट, तो 40,000 × 9 3,60,000। अनस्किल्ड दिया है 6 रुपया पर यूनिट, मतलब 40,000 × 6 2,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है 3 पर यूनिट, 3 × 40,000 1,20,000। ये सब का टोटल हो गया प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने आपको बताया 25,000 घंटे काम हुआ है और एक आवर का 8 रुपया है, तो 25,000 × 8 करेंगे तो 2 लाख हो गया। अब 2 लाख को 40,000 से डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा, ठीक है? टोटल हो गया 10 में 2 ऐड हो गया 12 लाख। ऑफिस एंड एडमिन क्वेश्चन में दिया गया है 4 लाख, 4 लाख को 40,000 से डिवाइड करोगे तो 10 मिलेगा। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये मैं आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूं। ये जो 16 लाख का जो खर्चा है वो कितने यूनिट्स का है? 40,000 का, ठीक है? तो यहां पे मैं यूनिट्स लिख रहा हूं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। इस साल ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था क्योंकि आई स्टार्टेड बिजनेस दिस ईयर ओनली, पर क्लोजिंग स्टॉक जैसे हमने पहले डिस्कस किया 4,000 है। तो ये जो 4,000 बने हैं वो एक यूनिट बनाने में 40 रुपए का खर्चा हुआ है। तो 4,000 × 40, ये 40 कौन सा है बच्चों? ये सीपीयू है, कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल कॉस्ट। तो 4,000 × 40 किया 1,60,000। तो ये 4,000 यूनिट्स हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। तो अभी ये जो 36,000 है, ये जो 14,40,000 है, वो 36,000 यूनिट्स का कॉस्ट है। वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा, ये भी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है। ये 16 लाख भी कॉस्ट है, 14,40,000 भी कॉस्ट है, पर 16 लाख कॉस्ट है 40,000 यूनिट का जो है प्रोड्यूस्ड, और 1440 जो कॉस्ट है वो 36,000 का जो कि सोल्ड है। ओके, तो जैसे मैंने पहले बताया था, इसके बाद में जो भी कैलकुलेशन होगा वो सोल्ड पे होता है बच्चों। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होगा, 4 रुपया प्रति यूनिट है, 36,000 × 4 करेंगे 144, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 50 रुपया, तो 36,000 × 50 करोगे 18 लाख आएगा। और ये जो प्रॉफिट है वो हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। ओके, लॉक किया जाए? कुछ भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में डालना, भूलना नहीं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, आप अगर देखोगे तो मैंने यहां पे रिमूव कर दिया है। मैंने जब टाइप करवाया क्वेश्चन में इधर 0402 ऐसे लिखा है, वो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कि ये 0.4 है कि नहीं है। तो हमने अज्यूम किया है कि ये सारे फिगर्स जो हैं वो रुपीज में है, पैसे में नहीं है। ओके, तो प्रोडक्ट ए इज ऑब्टेंड आफ्टर इट इज प्रोसेस थ्रू प्रोसेस एक्स वाई जेड। 3 प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में 5,000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए रॉ मटेरियल का, जिसको मार्केट से खरीदा था 4 रुपए में। कुछ और मटेरियल ऐड हुए तीनों प्रोसेस में। वेजेस का खर्चा है प्रोडक्शन ओवरहेड का। नॉर्मल लॉस है हर एक प्रोसेस का 10%, 20%, 25%, और स्क्रैप प्राइस दिया गया है 2 रुपीज, 4 रुपीज एंड 5 रुपीज। पहले प्रोसेस का आउटपुट है 4,500, सेकेंड का है 3,400 और थर्ड का है 2,700। मैं क्विकली आपके लिए एक वर्किंग बनाता हूँ, वैसे नॉट रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ आंसर, पर आपको समझाने के लिए कि एक्स में मैंने इनपुट किया है
5000। नॉर्मल लॉस एक्स का है 10%, ये 10%, मतलब नॉर्मली जब मैं 5000 यूनिट्स बनाने का शुरुआत करूंगा तो 500 तो खराब होने वाले हैं, ऐसा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 4500 यूनिट्स मिलेंगे, और एक्चुअली अगर मुझे 4500 यूनिट्स मिले तो मैंने जो सोचा था वही हुआ, मतलब कोई एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज नहीं हुआ है। फिर ये जो 4500 है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाने वाले हैं, और नेक्स्ट प्रोसेस में मेरा लॉस 20% है, जो कि 900 यूनिट्स हो जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3600 आउटपुट मिलना चाहिए, बट एक्चुअली आउटपुट मिला 3400 का, तो मैं दुखी हो जाऊँगा, और जो 200 यूनिट है उसको मैं बोल दूंगा एबनॉर्मल लॉस। मैंने सोचा नहीं था फिर भी लॉस हो गया, तो मैं इसकी तहकीकात करूंगा कि ये लॉस का क्या वजह है, व्हाई दिस हैपेंड। ओके, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आई वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द रीजन कि इतना लॉस क्यों हुआ। थर्ड प्रोसेस में कितने यूनिट जाएंगे बच्चों, जितने बने थे, मतलब 3400 जाएंगे, ये 3600 नहीं जा सकते, 3400 ही एक्चुअली बने हैं जो थर्ड प्रोसेस में जाएंगे। उसका लॉस है 25%, तो 25% होना चाहिए 850, ठीक है। ये अगर हम माइनस करते हैं तो 2550 जो है वो आउटपुट होना चाहिए, उसके जगह आउटपुट हो गया 2700। तो अब मोगेम्बो खुश हुआ, सोचा था कि 2550 बनेगा पर एक्चुअली बना 2700, मतलब देर इज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 150 यूनिट्स। इसको मैं क्वांटिटी रिकन्सिलिएशन बोलता हूँ। एग्जाम में नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, पर अपनी समझ के लिए ये ज़रूरी है। तो आइए चलिए सम करते हैं। इसमें हमें क्या क्या पूछा गया है, प्रोसेस अकाउंट्स पूछे गए हैं, और नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी पूछा गया है। ओके, तो प्रोसेस अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है, सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और जो प्रोडक्शन हुआ है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इंट्रोड्यूस हुआ है 5000 का मटेरियल, 20000 डेबिट किया, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड डेबिट किया। एक कॉलम होगा क्वांटिटी का, एक कॉलम है अमाउंट का। तो ये 5000 का 10%, 500 नॉर्मल लॉस है, और उसको मैं स्क्रैप में अगर बेचता हूं तो 2 रुपया मिलेगा, मतलब 1000 रुपया इधर आ गया। ओके, अब मैं अगर बैलेंस करता हूं क्वांटिटी का कॉलम, तो ये 5000 मैंने यहां लिख दिया, उसमें से 500 माइनस कर दिया, तो 4500 मेरा आउटपुट है। और ये कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना, स्क्रैप वैल्यू मतलब ये 1000 रुपया अपॉन इनपुट क्वांटिटी, मतलब ये 5000, और माइनस नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी, मतलब ये 500। तो ये 27100 माइनस 1000, मतलब हो गया 26100, और डिवाइड बाय 5000 माइनस 500, मतलब हो गया 4500। तो एक यूनिट का है 5.8 रुपीज। तो ये 4500 को 5.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26100 आपको मिलेगा। ये 26100 यहाँ पे डेबिट हुआ, 4500 और 26100, जो नया मटेरियल और लेबर है वो भी यहाँ पे भी डेबिट हो गया। अब जैसे ऊपर क्वांटिटी रिकन्सिलेशन में बनाया है, 4500 का 20% यहाँ पे आ गया 900, और उसका स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 3600, 3400 आउटपुट है। अगर क्वांटिटी रिकन्सिलेशन आपने नहीं बनाया है तो ये 4500 को यहाँ पे लिख दो, जो हायर फिगर है, और ये दोनों का टोटल 4300 होता है, मतलब 200 का जो है वो एबनॉर्मल लॉस हो गया। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आता है तो वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड पे आता है तो वो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। सिमिलर फॉर्मूला से हम CPU कैलकुलेट करेंगे और उसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को 8.85 से और 3400 को भी 8.85 से, तो हमें ये टोटल मिल जाएगा, और ऑटोमेटिकली प्रोसेस अकाउंट टैली हो जाएगा। अब ये जो 3400 है वो इधर आ गया, Z में चला गया, उसका कॉस्ट आया, नया कॉस्ट हमने ऐड किया, 3400 का 25% यहाँ पे लिखा 850, उसको स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अभी फिनिश गुड्स हमारे बने 2700, अभी ये तो हमने अभी लिखा नहीं है, तो आप देखोगे तो क्रेडिट साइड हायर है, तो ये टोटल 3550 करके यहाँ पे लिखा, और बैलेंसिंग फिगर 150 जो है वो एबनॉर्मल गेन हो गया। हम ऑलरेडी क्वांटिटी रिकन्सिलेशन में ये बना चुके थे। अब कॉस्ट पर यूनिट के लिए इन सब को ऐड किया, माइनस दिस,
डिवाइड बाय दिस इनपुट माइनस दिस, तो ये फिगर्स आपको मिलेंगे और ये 11.63 मिलेगा। ये राउंडेड ऑफ है, कभी कभी आपको देखना पड़ेगा राउंडेड ऑफ होगा तो टैली होने में शायद एक या दो रुपए का मिस्टेक आएगा, तो वो आपको टैली करना पड़ेगा राउंड करके। ओके, तो ये 2700 को 11.63 मल्टीप्लाई किया ये आएगा, 150 को मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर आएगा। अब क्वेश्चन में लॉस अकाउंट भी बनाने बोला है, हाँ, तो मैं स्टेप्स आपको लिखवा देता हूँ क्या करना है। तो पहले क्या करो, पहला स्टेप होगा डबल एंट्री दे दो। पहले आप फॉर्मेट बना लो नॉर्मल लॉस अकाउंट का, स्टेप्स लिखते लिखते समझा देता हूँ, है ना। तो पहले आपने फॉर्मेट बना दिया नॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल गेन का। ओके, ये फॉर्मेट हो गया। अब ये ऑलरेडी हमने इधर देखो नॉर्मल लॉस को क्रेडिट किया हुआ है एक दो और तीन बार, तो उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे दे दो आप नॉर्मल लॉस में, 2x 2y और 2z, क्वांटिटी के साथ लिखना बच्चों, हाँ, क्वांटिटी को टैली नहीं करना है, एज एन इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं उसको। ओके, तो ये इसका सेकेंड इफेक्ट दे दिया। वैसे ही एबनॉर्मल लॉस का सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा और एबनॉर्मल गेन का सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, क्वांटिटी और अमाउंट दोनों लिखना। तो ये पहला स्टेप हो गया आपका कि डबल एंट्री आपने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। तो एबनॉर्मल लॉस कैसे क्लोज करोगे, तो ये प्रोसेस वाई का लॉस है 200। प्रोसेस वाई का जो यूनिट है स्क्रैप जो लॉस है वो 4 रुपए में बिकता है, तो उसको हम पहले बेच देंगे। इधर क्वांटिटी लिखा 200 और 4 रुपए में बेचा तो इंटू 4 मतलब 800 रुपया। तो एक्चुअली जो गुड्स आपके लॉस हुए हैं उसका कॉस्ट है 1770, पर उसको बेच के आपको 800 रुपए ही मिले, मतलब 970 का आपका नेट लॉस हो गया है। उसको आप, ये बैलेंसिंग फिगर है 970, उसको आप डाल दोगे कॉस्टिंग पीएनएल में। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा बच्चों, एबनॉर्मल लॉस को क्लोज करना है, क्रेडिट विथ कैश बैंक एट स्क्रैप प्राइस, रिस्पेक्टिव स्क्रैप प्राइस, जिस प्रोसेस का एबनॉर्मल लॉस है उसकी स्क्रैप प्राइस से आप क्रेडिट करोगे एंड देन बैलेंसिंग फिगर आप डाल दोगे कॉस्टिंग पीएनएल में। ओके, थर्ड, उसके बाद आप एबनॉर्मल गेन अकाउंट को क्लोज करोगे। तो यहां पे 150 क्रेडिट हुआ है, उसके स्क्रैप से आप उसको डेबिट करोगे और डेबिट करोगे नॉर्मल लॉस अकाउंट में। तो 150 ये प्रोसेस जेड का लॉस है मतलब गेन है, तो उसको 5 रुपए से मल्टीप्लाई करने वाले हैं जो उसका गेन का प्राइस है, स्क्रैप का प्राइस है। तो 150 इंटू 750 किया और ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट है, उसको पीएनएल में डाल देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस में डेबिट, डेबिट टू व्हाट अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट विथ स्क्रैप प्राइस एंड बैलेंसिंग फिगर अगेन कॉस्टिंग पीएनएल। तो आप देखोगे तो एबनॉर्मल लॉस जैसा ही है, ओनली डिफरेंस है कि यहां पे कैश बैंक है, इधर नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस में आइए, ये इसका सेकेंड इफेक्ट हो गया एबनॉर्मल गेन का जो 150 यहां से इधर आ गया, और अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो सीधा आप डाल दीजिए कैश बैंक में। तो आपका फोर्थ स्टेप यहां पे लिख रहा हूं मैं, नॉर्मल लॉस को क्लोज करो और बैलेंसिंग फिगर आप डाल दो। बैलेंसिंग फिगर कहां डालना है, कैश बैंक में। प्लीज डोंट गो टू रिकनसाइल द क्वांटिटी कॉलम इन नॉर्मल लॉस, ये जो हमने लिखा है उसको टैली करने का कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल लॉस में डाल दीजिए। तो ये स्टेप्स याद रखेंगे तो आपका आंसर सही सही आ जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा बच्चों ये दो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आप करिए, क्योंकि इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पर उल्टा प्रॉब्लम ये है कि इसमें फिगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े फिगर्स हैं। आई विल टेक योर लिबर्टी नॉट टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसके ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। मैं ये जो सोल्यूशन है उसका PDF आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछिएगा, देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू। ब्रीफली क्वेश्चन समझा देता हूँ, XYZ तीन प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस का परसेंटेज लॉस दिया है 2%, 4%, 10%। ओके, फर्स्ट प्रोसेस में 50,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुए हैं 10 रुपए के हिसाब से, और फिर उसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं मटीरियल वेजेस और एक्सपेंसेस। हर एक प्रोसेस का स्क्रैप वैल्यू दिया है 2.5, 2.5 और 5, तो सिमिलर कैलकुलेशन है, इनफैक्ट ज़्यादा कैलकुलेशन है। ओके, रफली यहाँ पे ये बनाया हुआ है बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट में, रफली नहीं बनाया है, रफली बता रहा हूँ। ओके, और वैसे इधर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन,
बहुत मेहनत किया बच्चों ये बनाने के लिए, है ना। आई होप ये मेहनत आपको पसंद आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ गबरू कॉन्ट्रैक्टर। क्या नाम दिया है? गबरू कॉन्ट्रैक्टर। रिलेटिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 75 लैक्स। तो ये 75 लैक्स क्या है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। कॉन्ट्रैक्टी पेज 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। तो मैं इसको, है ना, पहले थोड़ा सा ब्रीफली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, से एग्जाम्पल, आपके प्रोफेसर ने, यानी कि मैंने मैंने आपको 10 सम दिए असाइनमेंट करने के लिए। ओके, तो वो 10 सम में से आपने आपने ना 7 सम किए वर्क डन, आपने 7 सम किए, और 3 सम तो आपने किए ही नहीं, नॉट डन। पूछा आपने क्यों नहीं किए, तो जवाब दिया आपने, सर कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या लिखा था कुछ नहीं समझ में, इसलिए हमने छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। तो किए आपने 7 सम, अज्यूम करते हैं हर सम 10 मार्क का है, तो मैंने चेक किए ये 7 सम, और वो सात में से 5 सम मैंने सर्टिफाई किए। अरे वाह, एकदम बढ़िया है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, फुल मार्क्स मिलने चाहिए, आई एम सॉरी चेंजिंग माई वर्ड्स। तो 5 सर्टिफाई किए, बाकी 2 में कुछ नुक्स निकाला मैंने। मैंने बोला, अरे यार इसमें ये एडजस्टमेंट तुमने गलत किया है, इधर फॉर्मेट ठीक से नहीं बनाया है, इसमें वर्किंग नोट नहीं बनाया है। सो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड फुल्ली विद द 2 क्वेश्चन। तो आपने काम तो किया है, मतलब मेहनत तो किया आपने 2 सम बनाने में, बट मैंने सर्टिफाई नहीं किया। सो मैं इसको बोलूंगा वर्क डन बट वॉट, बट नॉट सर्टिफाइड। तो 5 सम के 50 मार्क तो आपको मिलने चाहिए, 1 सम 10 मार्क का है, पर मैं बोल रहा हूं नहीं भाई, हम नहीं देंगे आपको 50 मार्क। वैसे मिलने चाहिए 50, पर हम, है ना, ये पहले तो इसको बोल देंगे वर्क सर्टिफाइड, ओके, ताकि आपको वर्डिंग समझने में गड़बड़ ना हो। तो ये हो गया आपका वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफाइड। अभी हमने 5 के 50 मिलने चाहिए थे, पर हमने दिया नहीं, हमने दिया आपको कैश रिसीव्ड, बोल रहा हूँ फ्रॉम एन एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब आपके एंगल से। तो आपके एंगल से मैंने ना आपको 10% मार्क मेरे पास पकड़ के रखे, मैंने नहीं दिया आपको। तो कैश रिसीव, आपको मार्क्स कितने भी दिए मैंने, 45, और कैश रिटेन्ड, मार्क्स रिटेन किया मैंने 5। ये क्यों रिटेन किया, सवाल तो पूछो, सर क्यों रिटेन किया 50 पूरे के पूरे 2? तो हमने बोला बच्चों अभी बाकी का काम जो अधूरा है ना, पहले वो कंप्लीट कर ले, उसमें कुछ झोल किया है तो इसके लिए मैं अपनी गारंटी के लिए ये बचा के रख रहा हूँ, जब पूरा काम कर लेगा ना तो ये जो मैंने रिटेन करके रखा है वो रिलीज करूँगा, अभी नहीं करूँगा, समझा क्या? तो मैंने अपने पास बचा के रखे हैं। अब इसको एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। मान लो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैंने 10 माले का बिल्डिंग बांधने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, साल के अंत तक 7 फ्लोर मैंने बना लिए हैं, उसमें खर्चा हो गया है, 3 फ्लोर अभी भी बनाने बाकी हैं। आर्किटेक्ट आया साल के एंड में और उसने जाके पूरा 7 फ्लोर जो है वो जाके चेक किया, ही वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ 5 फ्लोर्स, मतलब एकदम बराबर है, प्लास्टरिंग सब कुछ बराबर है, वेरी गुड। पर 2 फ्लोर्स में उसने कुछ नुक्स निकाली, बोला अभी पेंटिंग बराबर नहीं किया इधर, यहाँ पे तो प्लम्बिंग आपने बाकी रखा है, अभी इलेक्ट्रिक का भी काम नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने काम किया था, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बोला यहाँ पे देखो 4 जगह पे लीकेज आ रहा है, तो आपने सीमेंट वगैरह कम डाली होगी, तो मुझे काम करने के लिए वापस बोला गया। तो वो 2 फ्लोर जहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसके तो पैसे वो देने से रहा मुझे, 5 फ्लोर के पैसे मैं मांग सकता हूँ, पर वो 5 फ्लोर के पूरे पैसे नहीं देगा। मान लो 5 फ्लोर के 50 लाख मिलने चाहिए, पर वो देगा 45 लाख, बोलेगा 5 लाख मैं अपने पास रख रहा हूँ, आपने काम तो कर दिया है, पर क्या मालूम आप भाग जाओ तो बाकी का काम हम किससे करवाएंगे। तो आपके बनते हैं 50 लाख लेने के, पर हम 50 लाख आपको देंगे नहीं, ठीक है। ब्रॉडली ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, इसको ध्यान में देना। अच्छा बच्चों, बच्चे लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं मैं बताऊं आपको। क्वेश्चन में अगर बोला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है 10 फ्लोर का और 5 फ्लोर सर्टिफाई हुए हैं, मतलब 5 अनसर्टिफाइड है, ऐसा वो सोचते हैं। भैया अनसर्टिफाइड का मतलब आपने जो किया है पर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ये 3 को हम अनसर्टिफाइड नहीं बोल सकते हैं,
क्योंकि ये तीन का तो काम आपने अभी तक किया ही नहीं है, तो अनसर्टिफाइड कैसे हुआ? ओके तो ये चीज को जरा ध्यान देना। हाँ अभी आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन पे। तो ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब एक्सपेंसेस दिए गए हैं, वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वर्क सर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड है, प्लांट इश्यूड है और वेजेस है। ये लास्ट वाला वेजेस नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया है, लेट मी जस्ट चेक। हाँ हाँ तो ये पहला वाला वेजेस नहीं है, ये पहला वाला जो है ना वो मटेरियल है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में जरा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये मटेरियल है, लास्ट वाला वेजेस सही था। ओके तो सिंपली अच्छा, वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ 14, 15, 16 इज 80, 50 एंड 20। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 14, 15 एंड 16। तो 3 साल का अकाउंट बनाने का है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये एक्सपेंसेस हैं, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे हम। ओके ये दो मेरे इनकम है, उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। अब प्लांट एक्चुअली मेरा फिक्स्ड एसेट है, पर ये प्लांट जिस कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो रहा है वो यूज होने की वजह से डेप्रिशिएट होता है, तो इसका डेप्रिसिएशन जो है वो मैं एक्सपेंस में लिखूंगा, पांचवा एक्सपेंस। ठीक है, इसको मैंने कॉलमिनर फॉर्मेट से बनाया है ताकि जल्दी हो सके। तो ये 3 साल के 3 कॉलम डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे एज अ फिक्स्ड फॉर्मेट बना लिए। आप भी एग्जाम में ऐसे बना सकते हो बच्चों। तो इन द बुक्स ऑफ गबरू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो पहले फर्स्ट साल लेते हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस दिए उसको हमने डेबिट कर दिया, 9,35,15,850। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है, उसका वर्किंग बनाया है, वर्किंग नहीं बनाया है तो मैं समझा देता हूं आपको, डोंट वरी। प्लांट ओरिजिनली जब हमने इश्यू किया था तो उसका वैल्यू कितना था, 1 लाख, और 1 साल के एंड में उसका वैल्यू हो गया है 80,000, मतलब डेप्रिसिएशन हो गया 20,000। अब सेकेंड ईयर का भी अभी बता दूं, सेकेंड ईयर के शुरुआत में प्लांट का वैल्यू 80,000 है, जो साल के एंड में 50 हो गया है, मतलब सेकेंड ईयर का डेप्री 30 हो गया। थर्ड ईयर के शुरुआत में प्लांट का वैल्यू ओपनिंग 50,000 है, जो साल के एंड में 20,000 हो गया है, मतलब उसका डेप्री भी हो गया 30,000। ठीक है ओके अब आते हैं फर्स्ट ईयर के एंड में वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है क्वेश्चन में 17,50,000 और वर्क अनसर्टिफाइड डैश दिया है। तो अभी हमने क्या किया, हमने चेक किया कि डेबिट और क्रेडिट में कौन सा फिगर बड़ा है। तो डेबिट साइड का बड़ा है पहले साल का, तो ये 18,20 इसका टोटल यहां पे लिखा और वो टोटल यहां पे लिखा, उसमें से ये माइनस किया और ये लॉस आया। अगर लॉस है तो उसे पूरा का पूरा पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ता है पहले ही साल, जिस साल भी लॉस है लॉस को पूरा का पूरा हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो ट्रांसफर हो गया। अब ये जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो जाएगा 17,50,000। फिर नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हमने डेबिट किए। अब सेकेंड ईयर के एंड का डब्ल्यूआईपी है 56,50,000 और अनसर्टिफाइड है 1 लाख। तो सेकेंड ईयर के एंड में मैं टोटलिंग करूं तो अब क्रेडिट साइड ज्यादा है, वो यहां लिखा, उसको यहां लिखा, उसमें से ये सब माइनस किया, तो ये हो गया मेरा नोशनल प्रॉफिट। उसको मैं नीचे लेके आया एज अ फॉर्मेट, जैसे जीपी को नीचे लेके आते वैसे 15,70,000। अब ये प्रॉफिट है और हम जो सीख रहे हैं ना बच्चों वो एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 सीख रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से वो कहते हैं कि भाई ये 15,75,000 आप पूरा प्रॉफिट नहीं समझ सकते हो, पूरा प्रॉफिट इसलिए नहीं समझ सकते हो क्योंकि अभी तक आपका काम पूरा हुआ नहीं है, तो फिर कितना प्रॉफिट समझने का, तो उसके लिए ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो 2015 में हमारा कितना काम हुआ है परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट, तो हमारा काम हुआ है वर्क सर्टिफाइड 56,50,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 75 लाख, मतलब 75% हमारा काम हुआ है। तो कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, तो 2/3 इंटू 15,75,000, और क्वेश्चन में बोला है कि 90% हम पैसा दे देते हैं, तो ये सीधा 90% लिख दिया, तो 9,45,000 जो है वो हम ट्रांसफर करेंगे इधर, 15,75,000 में से
9:45 ट्रांसफर हो जाएगा और 6:30 जो है उसको हम बोलेंगे रिजर्व फॉर कंटिजेंसी। बच्चों भूलना नहीं, थर्ड ईयर में जो भी क्लोजिंग फिगर्स हैं उसको एज एन ओपनिंग हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये 6:30 जो है वो पहले इधर चला जाएगा थर्ड ईयर में ओपनिंग में। फिर ये जो क्लोजिंग है दोनों 5650 और 1 लाख वो नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे ओपनिंग में। ओके अब ये सब खर्चे हुए थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया ना बच्चों, हाँ तो इधर पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा। एक्चुअली वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ अभी, पूरा 75 लाख। तो इधर बाय कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट लिखते हैं क्योंकि अभी जाके हमारा जो बिल्डिंग है वो बन गया है और अभी कॉन्ट्रैक्ट से हम पूरा 75 लाख मांग सकते हैं। तो हमारा इनकम अभी जाके हो गया 75 लाख, उसमें से ये सब माइनस किया तो ये जो भी प्रॉफिट है वो अभी नोशनल प्रॉफिट नहीं है, उसको पूरा का पूरा हम पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने कॉलमिनर बनाया है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वन आफ्टर द अदर तीन अलग अलग बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा जाएगा। ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल है पर इसमें मटेरियल और प्लांट के रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो शायद आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो फर्स्ट वाला भी और डेट्स का भी कुछ कन्फ्यूजन है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन कंपैरेटिवली ईजी है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इधर कॉम्प्लिकेशन है थोड़े पर छोटा है, जल्दी हो सकता है। तो सेकेंड है पक्या कॉन्ट्रैक्टर, अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 15 लाख ऑन 1 जुलाई। बच्चों जैसे डेट पढ़ो ना वैसे अंडरलाइन करने का और सवाल पूछने का कि पूरा साल है या पूरा साल नहीं है। तो 1 जुलाई को हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है, 1 जुलाई से लेके हमारा जो ईयर एंड है वो 31 मार्च है ना, हमारा ईयर एंड जो है वो 31 मार्च है, मतलब जुलाई 15 से लेके मार्च 16 कितने महीने होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं। तो डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन होगा वो 9 मंथ्स के लिए होगा, ध्यान देना आप। हाँ तो ये पहला साल का डिटेल दिया है और ये सेकेंड है, सेकेंड ईयर पूरा साल है अप्रैल 16 से मार्च 17, तो इधर कोई टेंशन नहीं है, 12 महीना है। मटेरियल इश्यूड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मतलब ये जो इश्यू किया था हमने उसमें से इतना वापस आ गया। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने मेरे वेयरहाउस से एक कांदीवली में एक बिल्डिंग चल रहा है वहाँ पे कुछ सीमेंट भेजी थी, तो कुछ सीमेंट साल के एंड में उन्हें नहीं चाहिए थी जो उन्होंने रिटर्न कर दी जो सेंट्रल वेयरहाउस है वहाँ पे, और वहाँ से मैं किसी और कॉन्ट्रैक्ट में मलाड में बोरीवली में भेज दूंगा। तो 1,52,000 का इश्यू हुआ था पर 22,000 का प्लांट सीमेंट उन्होंने लौटा दिया, तो वो माइनस करेंगे। फिर महीने साल के एंड में 20,000 का सीमेंट या सैंड या ब्रिक्स पड़ा हुआ है तो ये क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे, ये अनसर्टिफाइड है, ये ऑफिस ओवरहेड्स है, ये है वर्क सर्टिफाइड और ये प्लांट इश्यूड, प्लांट इश्यूड अगेन डेप्रिसिएशन के लिए काम आएगा। ओके ये सेकेंड ईयर का एक्सपेंसेस है, तो मैंने कॉलमिनर बनाया है बच्चों इसको वापस से, ये रहा, अभी इसमें 2 ही साल है। तो मटेरियल इश्यूड डेबिट किया है, वेजेस डेबिट किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट किया है, ऑफिस ओवरहेड डेबिट किया है। डेप्रिसिएशन का वर्किंग यहाँ पे बनाया हुआ है, इन द फर्स्ट ईयर प्लांट 3 लाख का है, यूज्ड फॉर 9 मंथ्स, हेंस डेप्रिसिएशन इज 3 लाख इंटू 20% इंटू 9/12 विच इज 45,000। तो ये 45,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये रहा 45,000 डेप्रिसिएशन। अभी मैंने प्रेजेंटेशन में मटेरियल रिटर्न्ड को क्रेडिट में लिखा है, मटेरियल एट साइट भी मैंने क्रेडिट में लिखा है 20,000। ठीक है, अगर हम एक ही साल का बना रहे हैं तो उसको डेबिट से लेस भी कर सकते हैं। वर्क सर्टिफाइड 3 लाख, अनसर्टिफाइड 48,000, टोटलिंग किया क्रेडिट साइड ज्यादा है 3,90,000, वो 3,90,000 इधर लिखा, ये नोशनल प्रॉफिट को इधर ब्रॉड डाउन किया। अब ये 15,000 में से कितना ट्रांसफर किया जाए ये सवाल पूछा जा रहा है, तो पहले वर्किंग नोट बनेगा। सवाल ये है कि कितना काम हुआ है, तो अभी तक 20% काम हुआ है, 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसमें से 3 लाख का काम हुआ है विच इज इक्वल टू 20%। तो अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में लिखा है कि 20% मतलब 25 से अगर कम काम हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा 15,000 मैं रिजर्व फॉर कंटिजेंसी में कैरी फॉरवर्ड करूंगा नेक्स्ट ईयर में। तो ये 15,000 नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ये हो गया 15,000 ओपनिंग बैलेंस। ये जो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड है वो भी ओपनिंग बन जाएगा 3 लाख और 48,000।
ये जो क्लोजिंग मटेरियल है 20,000, वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाएगा बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग है, इधर बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। ये 22,000 ओपनिंग नहीं है, ये तो मैंने गोडाउन में वापस भेज दिया, पर ये 20,000 का जो माल है वो तो अभी भी कांदीवली में था 31 मार्च को, तो वो नेक्स्ट ईयर यूज होने वाला है, तो वो क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, ये नया मटेरियल है जो इशू हुआ है, वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस ओवरहेड। अब है ना, थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। 1,50,000 प्लांट इश्यूड बोला गया है सेकेंड ईयर में, तो मैंने ऐसे अज्यूम किया ये नया प्लांट है, तो जो ओरिजिनल प्लांट था 3 लाख का, हाँ इधर डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल प्लांट पे 12 महीने का डेप्री हो गया 60,000, और नया प्लांट 1.5 लाख का इशू हुआ, और यहाँ पे डेट उन्होंने नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो भी 12 महीने के लिए होगा, और उसका डेप्रिसिएशन आ गया 30,000 रुपया। ओके, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन दोनों का, ऑन ऑन ओल्ड प्लांट एंड ऑन न्यू प्लांट। अभी मटेरियल एट साइट दिया है क्वेश्चन में 8,000 रुपया, मटेरियल रिटर्न कर दिया है 15,000, कुछ मटेरियल लॉस हो गया था 5,000 का, वो भी क्रेडिट करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रेडिट करते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है कि ये कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है, तो ये कॉस्ट ही होगा, इसलिए 5,000 क्रेडिट किया। सेकेंड ईयर के एंड में कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है ना, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने क्रेडिट किया 15 लाख रुपया, और अभी जो बैलेंसिंग फिगर आ गया 179, उसको ब्रॉड डाउन किया एंड सेम एंटायरली पीएनएल में ट्रांसफर किया। पूछो क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, तो अभी जितना भी प्रॉफिट है उसको पीएनएल में हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये था हमारा SYBAF का नवंबर 2017 का बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पूरा समझ में आया होगा, एंड आई होप ये आपके एग्जाम्स के लिए काम आएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन विद वेरियस वीडियो लेक्चर्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। थैंक यू सो मच।